अब आते हैं यूनिट 11 पर, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट नाम से ही कंफर्म है कि सारे एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, इसलिए उन्हें बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18, इस तरह से हमारे 6 ग्रुप्स आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्लास 11th में हमें सिर्फ 2 ग्रुप की स्टडी करना है, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 की। एंड क्लास 12th में, 12th क्लास में आपको ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18 तक की स्टडी करना है, ये नेक्स्ट क्लास में करना है आपने। अभी क्लास 11th में सिर्फ 13 एंड 14 की ही आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्रुप नंबर 13 पर, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स का एक और नाम है, इसे हम बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। बोरॉन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर बोरॉन होता है, इसलिए इसे बोरॉन फैमिली कहते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 13 में आते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एल्यूमिनियम 13, गैलियम 31, इंडियम 49 एंड थैलियम 81। और एटॉमिक नंबर यदि आपको याद रखना है तो डिफरेंस आप ध्यान रखिए, 13 एंड 5 के बीच में 8 का डिफरेंस, Al एंड Ga के बीच में 18 का डिफरेंस, फिर देन 18 का डिफरेंस, फिर देन 32 का डिफरेंस। इस तरह से यदि आप डिफरेंस याद रखेंगे तो अपने आप एटॉमिक नंबर भी याद रह जाएंगे। सारे ही एलिमेंट के यदि हम कॉन्फिगरेशंस बनाएं तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, 1s2, 2s2, 2p1। एल्यूमिनियम के केस में चले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक वैसे ही आगे चले गैलियम के केस में चलेंगे तो 4s2 एंड 4p1 मिलेगा, ये आपने पूरा बनाना है। इंडियम के केस में चलेंगे तो 5s2, 5p1 बनाएंगे। एंड थैलियम के केस में जाएंगे तो 6s2 एंड 6p1, इस तरह से कॉन्फिगरेशन बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इन सारे ही एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 एंड NP1 यह हमें लेना है। आउटर मोस्ट शेल में देखिए S और P दोनों ही ऑर्बिटल हैं, यहाँ भी दोनों हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, इसलिए जनरल कॉन्फिगरेशन में हम NS2 एंड NP1 ये यूज करते हैं। वेयर N इक्वल्स टू वैल्यू हो जाती है 2, 2, 6। फर्स्ट जो एलिमेंट है बोरॉन इसमें 2 है, लास्ट एलिमेंट थैलियम इसमें N की वैल्यू 6 है। तो इस तरह से ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, ग्रुप 13 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1, बोरॉन इज अ नॉन मेटल। ये एक नॉन मेटल है बट रेस्ट मेंबर्स आर मेटल। रेस्ट मेंबर्स जो है ये मेटल होते हैं, सिर्फ बोरॉन ही एक नॉन मेटल है। एंड सेकंड में हम बताएंगे बोरॉन हार्ड होती है बट रेस्ट मेटल्स आर सॉफ्ट। सॉफ्ट से मतलब है बहुत सॉफ्ट भी नहीं होती कि नाइफ से इजीली कट कर ले, ऐसा भी नहीं है, बट बोरॉन के हार्डनेस की रिलेटिवली वो सॉफ्ट होती हैं। फिर हम बताते हैं बोरॉन शोज एलोट्रॉपी, बोरॉन एलोट्रॉपी शो करता है बट रेस्ट मेंबर्स डज नॉट शो एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी शो नहीं करता है क्योंकि बोरॉन नॉन मेटल है, इसलिए नॉन मेटल एलोट्रॉपी शो करता है। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 4 पर। नंबर 4 पॉइंट है एटॉमिक साइज, थोड़े इनके एटॉमिक साइज हम कंफर्म करें। जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, डाउन द ग्रुप यदि हम जाते हैं तो साइज रेगुलरली इंक्रीज होता है, ये नॉर्मल केस में हम बताते हैं। बट इस गैलियम केस में साइज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन थोड़ा स्मॉलर हो जाता है, इंडियम में थोड़ा और बढ़ जाएगा, थैलियम में और भी बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है इस तरह के इनके साइजेस मिलते हैं डाउन द ग्रुप में।
एक यहाँ गड़बड़ी आ गई है, गैलियम का साइज, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में स्मॉलर है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसके पीछे हम क्या रीजन दें, तो इसमें रीजन हमें बताना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, थ्री डी ऑर्बिटल, थ्री डी ऑर्बिटल इन गैलियम। जो गैलियम है उसमें जो 3D ऑर्बिटल है उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। कैसे, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, ये हमने फोर शेल्स ले ली। एंड जो गैलियम में आउटर मोस्ट में 4s2 एंड 4p1, ये हमारे पास दो ऑर्बिटल होते हैं। एंड इनर शेल जो है वो 3D की है, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 31 है गैलियम के केस में। 3D ऑर्बिटल ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं करते हैं। रिपल नहीं करने से जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, और टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से यहाँ जो साइज है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में हमें कैसा मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा। तो ये इस तरह से हमारा एटॉमिक साइज का ट्रेंड है ग्रुप नंबर 13। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें भी थोड़ा वेरिएशन है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। प्रॉपर्टी नंबर 5, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब जैसे देखिए साइज को ही ध्यान रखते चले तो ये स्मॉलर साइज, तो बोरॉन की हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, फिर एल्यूमिनियम की लो हो जाएगी बोरॉन की कंपैरिजन में क्योंकि साइज बड़ा है। बट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा है, इसका मतलब जो गैलियम है इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। अब गैलियम से बड़ा साइज इंडियम का है, इसका मतलब जो इंडियम है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो जाएगी। और साइज को यदि हम देखें तो इंडियम के कंपैरिजन में थैलियम का साइज और भी बड़ा है, तो जो थैलियम है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से भी कम होनी चाहिए, बट थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से ज़्यादा होती है, मतलब ये फिर हाई हो गई। अब ये जो थैलियम है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों हुई, तो इसके पीछे जो हमें रीजन देना है ये बताना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहां भी शील्डिंग इफेक्ट आ गया, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल। जो 4f ऑर्बिटल आता है थैलियम में, इस 4f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो थैलियम है इस थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाती है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये थैलियम का न्यूक्लियस है और ये इनर शेल है, इस इनर शेल में 4f ऑर्बिटल है और जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 6s एंड 6s2 है एंड 6p1 है। तो जो सिक्स्थ शेल है इस सिक्स शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड रहेंगे। क्यों, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर रहा है। और जब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिपल नहीं कर रहा है तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड है। टाइटली बॉन्डेड होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसके कंपैरिजन में, इंडियम के कंपैरिजन में। इसलिए ये जो थैलियम है इस थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से ज्यादा मिलेगी। तो ये एक ट्रेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो ये हुई हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ये ग्रुप 13 एलिमेंट्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ग्रुप 13 इसके सारे ही मेंबर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3। क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन में NS2 और NP1 ये इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। 2+1 कितने हो गए, 3 हो गए, इसलिए इसके ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितनी मिलती है, +3। बट यदि हम डाउन द ग्रुप जाएं, डाउन द ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लाइक गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं
ये प्लस थ्री के अलावा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, प्लस थ्री भी आ गई है, प्लस वन भी आ गई है। तो प्लस वन कौन शो करता है? सिर्फ ये थ्री एलिमेंट ही शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है तो इसको कंफर्म करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास गैलियम, ये गैलियम का एटॉमिक मॉडल है। फोर शेल होती हैं गैलियम में एंड फोर शेल में 4s एंड 4p ये दोनों ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इनर्ट शेल जो है उसमें 3d ऑर्बिटल है, 3d10। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? ये जो हमारा गैलियम है, इस गैलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी ज्यादा है, 31 प्रोटॉन्स है। तो ये जो 31 प्रोटॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल में जो s ऑर्बिटल है इसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करके रखता है। अब बात आ रही है भाई s को ही क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, p को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि जो s ऑर्बिटल है, इस s ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन पावर है, s ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड रहेगा और सिर्फ जो p ऑर्बिटल है यही बॉन्ड फॉर्म करने के लिए फ्री होगा। और जो p ऑर्बिटल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ कितनी आएगी? प्लस वन आएगी। यहाँ इनर्ट क्यों बोला है? इनर्ट इसलिए बोला है, इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये नॉन रिएक्टिव हो गए, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं इनर्ट। पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए इन्हें हम बोलेंगे पेयर। इफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले प्लस थ्री थी वो प्लस थ्री से चेंज होगी, कितने पे आ गई है? प्लस वन पे आ गई है, इसलिए हम इसे कहते हैं इफेक्ट। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहां तक कि थैलियम के केस में यदि हम चलें तो थैलियम में जो प्लस वन एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आती हैं, इन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में थैलियम में प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है, ये और भी स्टेबल होती है प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ भी रीजन वही बताएंगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन नंबर। अब आते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पर। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 30 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। ऑक्साइड E2O3 ये फॉर्म करता है, वेयर E इक्वल्स टू B2Cl एंड E2O3 से मीनिंग है B2O3, Al2O3 एक्सेट्रा। ये थोड़े ऑक्साइड के नेचर कंफर्म करें, B2O3 इसका नेचर एसिडिक होता है। क्यों होता है कंफर्म कर लें। B2O3 को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये H3BO3 फॉर्म करता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, ट्वाइस लगा दें तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड। सिक्स हाइड्रोजन तो यहाँ थ्राइस करें, सिक्स हाइड्रोजन, थ्री एंड थ्री सिक्स ऑक्सीजन, सिक्स ऑक्सीजन बैलेंस। बोरिक ऑक्साइड सॉरी बोरिक एसिड का हमने फॉर्मेशन किया है इसलिए इसका नेचर एसिडिक हो गया। फिर आपको पता है Al2O3 एंड Ga2O3 दोनों ही हमारे एम्फोटेरिक होते हैं एंड लास्ट टू जो हैं Al2O3 एंड Tl2O3 इंडियम ऑक्साइड एंड थैलियम ऑक्साइड ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। थोड़ा Ga2O3 इसको एम्फोटेरिक क्यों कहते हैं इसके रीजन पे आ जाएं तो Ga2O3 रिएक्ट विद HCl and form GaCl3 plus H2O। equation को हम balance करें तो यहाँ twice ले लिया है, so 6 thrice, equation हमारी balance हो गई। HCl acid है तो Ga2O3 हमारा base। ठीक वैसे ही Ga2O3 react with base, इसी base से साथ reaction कराई like NaOH तो ये form करता है NaGaO2 plus H2O। equation को balance करें तो हम यहाँ twice ले आए, 2 Na यहाँ twice ले लें,
3 and 2, 5 oxygen, 4 and 1, 5, 2 hydrogen, 2 hydrogen, 4 equation balance. Compound का name sodium gallate, ये sodium gallate form किया हमने, यहाँ NaOH देखिए ये base है, इसका वाला Ga2O3 work करेगा as an acid, तो Ga2O3 ने acid and base दोनों form में work किया, इसका मतलब ये क्या है, amphoteric nature का है, फिर Iron2O3 ये हमारा basic क्यों है, इसको थोड़ा confirm करें, Im2O3 इसको यदि हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है हाइड्रोक्साइड इंडियम ट्राइहाइड्रोक्साइड इक्वेशन को बैलेंस करें ट्वाइस 6 हाइड्रोजन सो थ्राइस इक्वेशन हमारी बैलेंस आपने बेस का फॉर्मेशन किया है इसका मतलब इसका नेचर बेसिक हो गया तो इस तरह से ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पर रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस कि एसिड एंड बेसिस के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी बेरिलियम ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं करता है यहां तक कि हाई टेंपरेचर्स पे मॉडरेटली हाई टेंपरेचर्स पे भी बोरॉन एसिड एंड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है बट एल्यूमिनियम एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है इसलिए इस एल्यूमिनियम को हम बोलते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस रिएक्शन कैसी होगी वो भी थोड़ा कंफर्म देखें एल्यूमिनियम ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है तब ये फॉर्म करेगा AlCl3 हाइड्रोजन गैस यहाँ से वॉल्व हो जाएगी इक्वेशन को बैलेंस करें तो हम यहाँ पे ट्वाइस ले लें सो सिक्स सो थ्राइस H2 2Al होल इक्वेशन बैलेंस सिमिलरली वैसे ही एल्यूमिनियम की आपने NaOH से रिएक्शन कराई तब ये फॉर्म करता है Na3Al OH 6+ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करें Na3 टाइम्स हैं तो हम पहले यहाँ वाइस ले लेते हैं 6 NaOH 2Al 2 6 ऑक्सीजन 6 टू जार अच्छा साथ में इसमें वाटर की भी रिएक्शन करानी पड़ेगी तब ये बैलेंस होगा वाटर भी हमने ले लिया एंड हाइड्रोजन्स देखें 6 टू जार 12 हाइड्रोजन्स और ये भी हाइड्रोजन्स हैं 14 यहाँ देखें हाइड्रोजन 6 एंड 2 8 है बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन देखें 6 टू जार 12 6 यहाँ आ गई 6 H2O ले लिया 6 एंड 6 12 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन बैलेंस हाइड्रोजन देखिए 6 टू जार 12 एंड 2 14 यहाँ देखें 6 एंड 6 टू जार 12 12 एंड 6 18 एंड 18 में अभी हमारे पास सिर्फ 12 आ गई है 6 बचा है तो हम थ्राइस H2 करते हैं सो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 हाइड्रोजन हो गया 2Al 2Al होल इक्वेशन बैलेंस्ड तो दोनों ही केस में देखिए यहाँ HCl के साथ रिएक्शन है एसिड के साथ यहाँ बेस के साथ रिएक्शन है इसका मतलब यहाँ ये वर्क कर रहा है एज अ बेस यहाँ ये वर्क कर रहा है एज एसिड इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर का बोलते हैं तो ये कुछ हमारी रिएक्शन थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी ग्रुप 13 एलिमेंट्स की अब आते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज पर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन कि बोरॉन की क्या एनोमलस प्रॉपर्टीज हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन फर्स्ट रीजन पे आ जाएं रीजन में वही सेम रीजन है नंबर वन वेरी स्मॉल साइज पहले से ही आप जानते हैं सेकंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी हाई होती है ये भी जानते हैं थर्ड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ये भी आप जानते हैं कैसे बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फिगरेशन 2p1 n की मैक्सिमम वैल्यू है 2
इसका मतलब एल इक्वल्स टू जीरो वन, जीरो मीन्स एस, वन मीन्स पी, डी ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लिखते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फिर आते हैं डिफरेंस पर, डिफरेंस बिटवीन बोरॉन एंड रेस्ट फैमिली मेंबर्स। ये रेस्ट फैमिली मेंबर्स में क्या डिफरेंसेस हैं तो बताएंगे, बोरॉन इज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होती है, बट रेस्ट आर मेटल्स, सारी मेटल्स होती हैं। सेकंड, बोरॉन शो करता है एलोट्रॉपी बट रेस्ट मेंबर डज नॉट शो एलोट्रॉपी। फिर देन थर्ड, ऑक्साइड ऑफ बोरॉन इज एसिडिक बट ऑक्साइड्स ऑफ रेस्ट, जितने भी रेस्ट फैमिली मेंबर्स हैं इनके या तो एम्फोटेरिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं, एसिडिक किसी का नहीं होता, सिर्फ बोरॉन का ही एसिडिक होता है। फिर देन फोर्थ, बोरॉन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स बट रेस्ट फॉर्म कोवेलेंट एंड आयनिक बोथ टाइप के कंपाउंड्स का ये फॉर्मेशन करता है। तो जिस तरह से हमने कुछ डिफरेंस देखे हैं, डिफरेंस बिटवीन बोरॉन एंड रेस्ट फैमिली मेंबर्स, वैसे ही डायगोनल रिलेशनशिप भी ले सकते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो नंबर वन, बोथ बी एंड एस आई आर नॉन मेटल्स, कि दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। बोथ शो एलोट्रॉपी, दोनों ही एलोट्रॉपी शो करते हैं। थर्ड, बोथ ऑक्साइड्स, दोनों के ही ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मतलब B2O3 भी एसिडिक है एंड SiO2 भी एसिडिक है। एंड फोर्थ, बोथ आर हार्ड, दोनों ही हार्ड होते हैं नेचर में। तो इस तरह से ये हमारा डायगोनल रिलेशनशिप है। थैंक यू।